हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी अच्छे होंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे चैनल पे एक्रेलिक पेंटिंग के रिगार्डिंग, जो भी एक्रेलिक पेंटिंग में जो चीज़ यूज होता है, जो आर्ट सप्लाई यूज होता है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। तो आज हमने सोचा कि जो जो मटेरियल हम यूज करते हैं एक्रेलिक पेंटिंग में, उस पर एक वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बॉडी कैनवास रोल का। ये है मेरा कैनवास रोल और इसको दिखाते हैं खोल के। तो देखिए, हम जो यूज कर रहे हैं कैनवास रोल, ज़रूरी नहीं कि कैनवास रोल ही यूज करें, आप पेपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, दिखा रहा हूँ। तो ये है कैनवास रोल, जो कि ये पूरा रोल रहता है, 5 मीटर का आता है। और ये जो भी ये कैनवास जो सीट होता है वही चीज़ है, बस यहाँ पे रोल के फॉर्म में है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग है, मतलब ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं होगा, सस्ता में मिल जाता है जो कैनवास पे बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। और जो भी शेप का बनाना चाहे उसको खुद से कट करके उस शेप में बना सकते हैं। और इस रोल का प्राइस हमको पड़ा था 1400 रुपीज़, जो कि इसका कैमल ब्रांड का है। ओके, तो इसके अलावा अभी हमने आगे जो भी सब्सटेंस दिखाएंगे, जो भी मटेरियल दिखाएंगे, उसका प्राइजेस भी हम बताते चलेंगे। और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं या चेक कर सकते हैं वहाँ पे जा करके। ओके, तो प्राइस में भी वैरी कर सकता है, हम ऑफलाइन लिए हैं और ऑनलाइन हो सकता है कि कम में भी मिले या ज़्यादा में मिले, वैरी कर सकता है। तो चलते हैं अब और चीज़ जो है, जो कलर वगैरह है वो सब दिखाते हैं, जो बेसिक चाहिए होगा जो भी एक्रेलिक पेंटिंग बनाने के लिए। ओके, तो गाइज ये है मेरा एक्रेलिक पेंट्स, एक्रेलिक कलर जो कि हम यूज़ करते हैं पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो इतना सारा कलर देख करके घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना सारा आपको कलर खरीदने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो आप कम कलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कम कलर मतलब कि जो प्राइमरी कलर्स हैं उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो मेन प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी कलर होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं, अलग करते हैं और दिखाते हैं कि उससे कैसे हम लोग कंबाइन करके नया कलर जो है फॉर्म कर सकते हैं, न्यू कलर जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि जो प्राइमरी कलर एक हम येलो सेलेक्ट कर रहे हैं, एक हो गया आपको रेड हो गया। तो ये दोनों कलर जब हम लोग कंबाइन करेंगे ना तो कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज बनेगा। ठीक है, तो ऑरेंज लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इन दोनों के कम्बिनेशन से ऑरेंज बन जाएंगे। ओके, और इसके बाद बारी आता है ग्रीन। अगर बनाना है ग्रीन बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक ब्लू ले लेंगे, और ब्लू और येलो अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो इससे भी क्या होगा, ग्रीन बन जाएगा। मतलब कि ये दो कलर सेकेंडरी कलर हो गया, ये लेने का ज़रूरत नहीं होगा। और इसके बाद भी अगर पिंक बनाना चाहेंगे तो क्या करना होगा, अगर पिंक बनाना है तो उसके लिए वाइट ले लेंगे, और रेड आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके थे तो वाइट और रेड दोनों को कंबाइन करेंगे तो पिंक बनेगा। ठीक है, तो ये वाइट से फिर अगर चाहे ब्लू में कंबाइन कर दे तो स्काई ब्लू बन जाएगा, लाइट ब्लू बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरा कलर लेना पड़े, इतना सारा कलर लेने का ज़रूरत नहीं है, आप कलर मिला करके मिक्स करके कंबाइन करके इसको बना सकते हैं। और इतना सारा कलर मेरे पास क्यों है, तो इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं एक्यूरेसी जो है वो बना रहे। अगर हम कंबाइन करते हैं दो कलर को तो एग्जैक्ट सेम कलर जो हम लोग को चाहिए होगा वो चीज़ नहीं मिल पाता है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, मतलब उससे उसके आसपास तो मिल जाता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलता है, इस कारण से हमने इतना सारा कलर रखे हुए हैं। तो ये प्राइमरी कलर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और एक कलर चाहिए होगा आपको, ब्राउन। ब्राउन जो है रेड वगैरह मिक्स कीजिएगा, ब्लू मिक्स कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक ब्राउन जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, रेड ब्लू मिलाइए ब्राउन तो बनेगा लेकिन एग्जैक्ट ब्राउन नहीं आएगा, इसलिए ब्राउन अलग से हम लोग रख लेते हैं। और एक हो गया ब्लैक। तो इतना कलर से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये बाकी जो कलर इतना सारा इसको लेने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि बस 4 या 5 कलर्स ले करके भी हम लोग एक्रेलिक पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बारी आता है पेज का, सीट का, कि कैसा सीट पे बनाया जाए। तो अगर आपके पास जो भी कैनवास बोर्ड नहीं है या कैनवास नहीं है तो उसके लिए आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है इवन पेज पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन जो नॉर्मल जो सीट ऑयल पेस्टल के लिए यूज करते हैं आप उस पर भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट कीजिए उस पर बनाना और बन जाएगा उससे। तो यहाँ पे कुछ कलर्स हमने लिए हैं जो कि कल हमने लाया, जो पहले नहीं मिल रहा था, ये सब जो देख रहे हैं आप नया कलर है, ये सब कलर पहले नहीं था मेरे पास और मार्केट में भी नहीं मिल रहा था, तो ये चीज़ नया कलर है मेरे लिए। ओके, तो जो भी वायलेट वगैरह भी नहीं था तो वायलेट वगैरह हमने खोजा तो मिला ये सब कलर, तो ये सब आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला हमने पॉइंट बताया कैनवास के बारे में, कैनवास आखिर क्यों यूज किया जाता है, कैनवास हम लोग क्यों यूज करते हैं।
तो कैनवास पे क्या होता है, जब हम लोग पेज पे बनाएंगे ना पेज पे, तो पेज क्या होगा कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिस कारण से पेज मुड़ने लगता है, जैसे जैसे वो सूखेगा पेज मुड़ जाएगा, बनाते समय ही मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होगा, कभी कभी होता है कि पेज जो होता है वो भी फट जाते हैं, मतलब गीला होकर के। तो इस कारण से हम लोग कैनवास पे बनाते हैं, एकदम स्मूथ सरफेस बना हुआ रहता है, मतलब सरफेस जो होता है एकदम एक जैसा बना रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन पेज पे अगर बनाएंगे तो पेज या तो फट जाएगा, फटने का चांसेज होगा, या फिर जो है वो मुड़ जाएगा, मतलब पेज मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कारण से कैनवास पे बनाया जाता है। ओके, अगर आप पेज पे बना रहे हैं तो उस समय जो है वाटर इसमें मिलाना सही नहीं होगा। अगर पानी मिलाइएगा तो पेज जो है वो जल्दी से वो गल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप पेज पे बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर पेज पे बनाइएगा तो उसके लिए एक चीज़ आता है, जैसे वाटर कब मिलाना पड़ता है हम लोग को एक्रेलिक पेंटिंग में, वाटर कब मिलाते हैं, जब बनाते बनाते क्या हुआ कि जब ये ड्राई अप हो गया, जो कलर सूख गया है या उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब गाढ़ा कलर है, तो उसको पतला करने के लिए हम लोग या तो वाटर मिला दें। तो वाटर अगर मिलाते हैं, अगर कैनवास पे बना रहे हैं आप तो वाटर मिला दीजिएगा तो कैनवास को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेज पे बना रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर वाटर मिलाइएगा तो पेज क्या होगा, फट जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं इसके जगह पे, वाटर के जगह पे मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कैमल ब्रांड का मीडियम है जो कि 20 रुपये में आपको मिल जाएगा, 20 से 30 रुपये में मिल जाएगा। तो ये चीज़ था आपको कि मीडियम अगर हम लोग यूज करेंगे और पेपर पे पेंटिंग बना रहे हैं तो पेपर पे पेंटिंग बनाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि पेपर जो है फटेगा नहीं, मतलब गलेगा नहीं जल्दी। ओके, तो इसके अलावा ये जो आप जो कलर देखे हैं, इसका एक पीस का प्राइस पड़ रहा है आपको 20 रुपीज़। और ये जो कलर है, एक्रेलिक कलर जो है वो दो फॉर्म में आते हैं, एक तो ट्यूबुलर फॉर्म में आते हैं, ट्यूब के फॉर्म में, और एक जो अभी ये देख पा रहे हैं। तो ट्यूब वाला जो आता है आपको एक एक करके अगर लीजिएगा तो वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, मतलब कि 200-300 रुपये एक पीस मिलता है। और जबकि अगर हम लोग एक्रेलिक का ये वाला अगर लेते हैं तो 20 रुपये में, 20 रुपये इस पर प्रिंट है, 20 रुपीज़ MRP है, जबकि 18 रुपये में आपको दे देगा आसानी से लोकल मार्केट में। ओके, और ये इजिली हर जगह मिल जाते हैं लगभग। और अगर आप ट्यूब वाला खोजिएगा तो जल्दी मिलेगा भी नहीं, और मिल भी जाएगा तो पूरा पैकेट रहेगा, पूरा आपको 500 के करीब आता है, 500 एंड समथिंग, तो उसको साथ में ही लेना पड़ेगा, पूरा लेना पड़ेगा, कोई एक कलर उसमें नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने प्राइमरी कलर बताया उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। ठीक है, और अगर बिगनर से थोड़ा ऊपर है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी अदर कलर्स है वो सब भी खरीद सकते हैं, अगर एफर्ट कर सके तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद बारी आती है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो पेजेस के बारे में, जो पेज पे हम लोग पेंटिंग बनाते हैं। इसके बाद बारी आता है आपको कलर का, कलर के बारे में हमने बताया, कलर कितने टाइप्स के आते हैं और कलर में क्या मिक्स किया जाए पतला करने के लिए। अगर पेज पे बना रहे हैं तो मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आप कैनवस पे बना रहे हैं तो उस केस में आपको यूज करना होगा, वाटर का यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो इसको साइड करते हैं। इसके बाद बारी आता है ब्रशेज का, ब्रशेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक्रेलिक पेंटिंग का, मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अगर ब्रशेज ना हो तो पेंटिंग जो है एक्रेलिक पेंटिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बन तो जाएगा, हाथ से भी बन जाएगा, लेकिन जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा नहीं बनेगा। जो पहले हम ब्रश यूज करते थे वो नॉर्मल सा, ये कैमल ब्रांड का है, ये वाला ब्रश हम यूज़ किया करते थे कैमल ब्रांड का, ये भी क्या था पूरा पैकेट ही था, पूरा सेट था, 500 का दिया था, 520 रुपीज़ का आया था, तो उसमें हर एक शेप का यहाँ पे ब्रश था, तो वो चीज़ था। तो ये पुराना होने के कारण क्या होता है कि ये पूरा जो है ब्रशेज ख़राब हो जाते हैं, तो ब्रश टाइम टू टाइम जो है अपडेट भी करना होता है, इसको चेंज भी करना होता है। इसके अलावा एक और लोकल ब्रांड आता है मयूर का, जो कि हम यूज करते हैं मयूर का, ये आसानी से मिल जाता है, कहीं भी मिल जाएगा मयूर ब्रांड का। तो ये पतला से पतला आता है, मतलब कि 0, 00, 000 साइज आता है, मतलब एकदम पतला साइज में भी मिल जाएगा। तो ये ब्रशेज थे, और इसके अलावा भी हमने कुछ कल ब्रशेज लिए हैं, कल हमने 8 सप्लाईज का शॉपिंग किया था, जिसमें कुछ ब्रशेज भी लिए हैं जो आपको दिखा रहे हैं, और कुछ 8 मटेरियल लिए हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो ये है मेरा ब्रशेज जो कि हमने कल लिया है, और इसमें क्या है कि नया नया टाइप का ब्रश आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि फॉरेनर जो भी यूट्यूबर हैं और जो आर्ट बना रहे हैं जो एक्रेलिक का, जैसे वाव आर्ट वगैरह हो गया, तो ये सब ब्रशेज का इस्तेमाल वो करते हैं। ये जो ब्रश हमने लिया है इसका हमको कॉस्ट पड़ा है, प्राइस पड़ा है 370 रुपीज़। ओके, और इसका जो है पूरा सेट दिया है इसमें, और ये इंडियन ब्रांड है जो भी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ लिए हैं वो JRD इंडियन ब्रांड है यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं इसको, इसको अभी हमने यूज नहीं किया है, इसको कल जो है नया वीडियो बनाएंगे एक्रेलिक का, तो इसी से बनाया जाएगा।
तो ये है पहला जो आप देख रहे हैं फैन ब्रशेज हो गया, तो इसका यूज हम लोग करेंगे जो भी ट्री वगैरह बनाते हैं, मतलब ट्री जो हो गया, पाइन ट्री हो गया, उसमें यूज करते हैं। और भी अदर शेप में देख रहे हैं, नया नया शेप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से पेंटिंग बनाने में जो है आसान हो जाएगा। अगर आप ले सकते हैं तो इसको भी ट्राई कीजिए, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो इसको ना भी लीजिएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। इवन अभी तक हम जो है सिंपल सा फ्लैट और राउंड ब्रश, दो टाइप का ब्रश था, वही का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि फ्लैट में दो ब्रश का यूज करते हैं और राउंड में दो ब्रश का, तो ज़्यादा ब्रश का हम यूज नहीं करते हैं एक्रेलिक बनाने के लिए। लेकिन ये सब लाए हैं तो इसमें क्या है कि पेंटिंग में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, नया नया टाइप का पेंटिंग देखने को मिलेगा। ओके, तो ये ब्रशेज था जो कि हम यूज करते हैं। और गाइस ब्रशेज के अलावा भी एक चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा, वो की है आपको टेप, मास्किंग टेप। ये मास्किंग टेप हम पूरा पैकेट ही ले लेते हैं, एशियन पेंट का आता है, और ये 130 रुपीज़ में दिया है पूरा पैकेट, इसमें 6 पीस होंगे। तो ये चीज़ क्या होता है, अब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि क्या हो कि जो कैनवास जो रोल पे हम बनाते हैं, कैनवास बोर्ड नहीं है, रोल है, तो उसको हमको एक जगह फिक्स करना होता है, तो इससे टेप की मदद से हम उसको फिक्स कर लेते हैं। और साथ ही साथ बॉर्डर इफेक्ट अगर हमको चाहिए हो चारों तरफ, तो वो भी इससे आ जाता है आसानी से। तो ये दो प्रॉफिट होता है। और कोई शेप वाला अगर ड्राइंग बनाना है तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो गाइस आज का वीडियो जो था टोटल एक्रेलिक पे बेस्ड था, लेकिन कल हम जो मार्केट गए थे तो कुछ नया नया आर्ट सप्लाईज लाए हैं, जिसका एंटिक है वो दिखाना हम चाह रहे हैं। तो ये पेंसिल तो आप पहले भी देखे होंगे, जो हम पहले यूज करते थे आर्ट लाइन का, जो कि ऑयल पेस्टल ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो ये था 10B पेंसिल, और इसका यहाँ प्राइस पड़ रहा है 15 रुपीज़ में दे रहा है। और कल हमने एक नया पेंसिल लिया जो कि स्टेडलर ब्रांड का है, जो कि 12B है, नॉर्मली जो 10B था, अब ये जो हम पेंसिल लिए हैं ये 12B का है। ओके, तो ये 12B है और इसका कॉस्ट हमको पड़ा है 85 रुपीज़। मतलब कि पहला बार हम जो है इतना जो भी कॉस्ट वाला जो भी पेंसिल यूज करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले तो बचपन में जो यूज करते थे 2 रुपये में देता था, वो यूज कर लिए। और उसके बाद जब थोड़ा सा अपग्रेड हुआ तो अप्सरा का आया था 5 रुपये वाला, वो यूज किए। और फिर जब ड्राइंग बनाना स्टार्ट की तो 10B वगैरह जो आता है तो वो 10 रुपये का था, वो यूज किए। और उसके बाद ये आर्ट लाइन का 15 का, और फाइनली अपग्रेड होकर से डायरेक्ट यहाँ पे 12B जो कि है दिया अभी 85 रुपीज़ में दिया है, 85 रुपीज़ में दिया है। इसके साथ जो है एक शार्पनर आता है, वो शार्पनर भी हमने लिया है, वो आपको दिखाते हैं। तो ये शार्पनर जो देख रहे हैं, ये स्टेडलर ब्रांड का, ये मेड इन जर्मनी। और ये शार्पनर दिखने में एकदम भद्दा सा लग रहा है, मतलब छोटा सा नमूना जैसा लग रहा है, लेकिन ये शार्पनर हमको पड़ा है 90 रुपीज़ में। बिलीव नहीं होगा, ये 90 रुपीज़ में छोटा सा एक शार्पनर दिया है। मतलब ये ब्रांड पे बस ये क्या है, मतलब एक्चुअली जब हम ये शार्प करते हैं ना, 10B या 12B जो भी शार्प करते हैं जो ये पेंसिल, तो जल्दी से टूट जाता है, मतलब आसानी से टूट जाता है। तो हमको लगा कि शायद शार्पनर के प्रॉब्लम से हो, शार्पनर सही ना होने के कारण टूटता हो, तो इस कारण हमने ये शार्पनर लिया है। तो इसको हम ट्राई करेंगे, यूज करेंगे, उसके बाद आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं। आज जो भी इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी दिखाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ से बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी हम बनाते हैं पेंटिंग्स या ड्राइंग बनाते हैं, उसको भी साथ ही साथ आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों का पेंटिंग्स भी क्या हो, ड्राइंग्स जो भी हो, इम्प्रूव होते रहें टाइम टू टाइम। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, टेक केयर।